देखो इसकी ट्रिक ट्रिक बहुत बढ़िया है, इसकी बहुत आसान होता है ये क्वेश्चन। बताऊं क्या है ट्रिक, क्या है फॉर्मूला, ये किताब में भी लिखा मिल जाएगा तुम्हें। क्या होगा कि लाभ प्लस छूट बटे 100 माइनस छूट, गुना 100 भी है शायद, हाँ गुना 100, इतने से हो जाता है ये। देखो पहले तो यूं बताओ, छूट किस पे दोगे, क्रय मूल्य पे, विक्रय मूल्य पे दोगे? मैं वही तो बता रहा हूं, अब तीन बता दिए इन्होंने तो एक साथ, पहले क्रय मूल्य पे दे दी फिर विक्रय मूल्य पे दे दी। जब तुम्हें यही नहीं पता अभी कि छूट कहाँ देनी है, छूट हमेशा दी जाती है एमआरपी पे, ठीक है? तो तुम एमआरपी को ही तो 100 मानोगे, मानोगे कि नहीं? एमपी से क्या निकल के आता है, एसपी निकल के आता है। जब तुमने 20% की छूट दी तो कितना आया एसपी, 80 आएगा। अब 80 में बेचते इस टाइम वो 12% का लाभ भी कमा रहा है, तो सीपी कितना होगा, 112, कट जाएगा नंबर 8 9 80, 8 एकम 8, 8 चौक 32, ठीक है? ठीक है जी, ये बन जाएगा आपका, 2 से काटोगे 7, 2 से काटोगे 50, तो 50 9 500 बटे 7। अब यहां समस्या आएगी पॉइंट की, तो आप क्या करो इस 7 की गुना सब में कर लो, इसकी इसमें गुना करोगे कितना आएगा 700, इसकी इसमें गुना करोगे 560, और ये कितना रह जाएगा, अब 500 रह जाएगा, ठीक है? अब कह रहा है कि भाई पूछ क्या रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ा के रखना है। अंकित मूल्य कितना आ गया 700, क्रय मूल्य कितना आ गया, कितना बढ़ाया 200, कितने से, क्रय मूल्य से, और गुना, तो 100 पंजे 500, 5 चौक 20, ऐसे करोगे तो ऐसे करना पड़ेगा यहां, ये वाला। देखो एमपी माना 100, ठीक है, तो एसपी कितना आया 80, एसपी पे जब तुमने 12% का लाभ लिया है तो सीपी निकालने के लिए 100 बटे 112, तो ये उल्टा हो जाएगा और यहाँ आएगा 500 बटे 7। हालांकि जब हम इसे सीपी से करते हैं ना तो ये चीज नहीं आती है शायद, इसमें मैंने एक बार करा था ये क्वेश्चन कि अगर हम इस क्वेश्चन को सीपी से स्टार्ट करें तो ये सब नहीं आता है। जैसे सीपी माना 100 तो एसपी कितना 112, और तुम्हें पता है एसपी से एमपी पे जाना है तो 100 बटे 80, काट लो नंबर को, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 28 पंजे 140। सीपी कितना है, एमपी कितना है, कितना बढ़ा के लिख रहा है, ये कर लो। तो तुमने कुछ गलती कर दी होगी, ये मत करो, एमपी मत मानो, सीपी से कर लो इस क्वेश्चन को, ये आसान रहेगा। बाकी इसमें तुम ये भी कर सकते हो सीधा सीधा कि लाभ प्लस छूट, यानी कि 20 प्लस 12 कितना 32, बटे 100 माइनस छूट यानी कि कितना 80, और गुना 100, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 से काटा 8 बार और 8 पंजे। अब देखो तीन ऑप्शन है, हालांकि इसको तो मैं मना कर रहा हूं, इसको कर लो या इसके ऊपर, इससे भी हो जाएगा, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। आंसर देख लो, 3 से 40 ही आ रहा है, कितना है कि मान लो सीपी कितना, एसपी कितना, छूट कितनी है, तो गुना 100 बटे 82, ठीक है, 2 से काट लो 41 तिया और 50 तिया, ये क्या आ गया, सीपी से एमपी कितना ज्यादा है, जितना नंबर में ज्यादा, क्योंकि 100 से बढ़ रहा है, और अगर कोई चीज 100 से बढ़ेगी या घटेगी तो जितना नंबर में उतना ही परसेंटेज में,
सीपी कितना, एसपी कितना, गुना 100/75, 25 थी 75, 25 चौका 100, 3 चौक 12 और 40 चौका ये क्या आ गया, कितने का? बात क्लियर?